सो हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। सो दोस्तों, यूट्यूब पे जब शॉर्ट्स को लॉन्च किया गया था तो उस टाइम पे जो लॉन्च होने के बाद शॉर्ट्स का जो भी रूल रेगुलेशन है उसमें से बताया गया था कि शॉर्ट्स वीडियोस को हम मोनेटाइज नहीं कर सकते, उस पर एड नहीं चलेगा, उससे आप पैसे नहीं कमा पाओगे, सिर्फ आपका शॉर्ट्स वीडियोज का जो है व्यूज आएगा और उससे आपको सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो लेकिन मोनेटाइज नहीं कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ दिन बाद एक नया अपडेट आया था जिसपे मैंने वीडियो बनाया था कि शॉर्ट्स वीडियोज को हम मोनेटाइज भी कर सकते हैं, ऐड भी चला सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में मैंने बताया था कि कैसे पैसे कमा सकते हो, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी था, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा और साथ ही आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को अर्निंग प्रूफ भी दिखाऊंगा। दोस्तों, अभी तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर, जो अभी इस चैनल पर मनोज दे चैनल पर, अभी तक एक भी शॉर्ट्स वीडियो नहीं अपलोड किया था, लेकिन दो दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, पहला शॉर्ट वीडियो अपने टेक चैनल पर, और उस वीडियो का जो है अर्निंग आप लोग देखोगे तो शॉक्ड हो जाओगे। थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को सजेशन दूं, थोड़ा सा जो हमारे नॉर्मल वीडियोस होते हैं, जैसे ये एक नॉर्मल वीडियो है, शॉर्ट वीडियो नहीं है, तो नॉर्मल वीडियो का जो अर्निंग होता है उससे भी ज्यादा अर्निंग हो चुका है उस शॉर्ट्स वाले वीडियो, ठीक है, जो कि मैंने डाला हुआ था। तो अभी आप लोगों को अर्निंग प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कितने व्यूज का कितना डॉलर बना है, और साथ ही मैं बताऊंगा कि शॉर्ट्स वीडियो से अर्निंग कैसे कर सकते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। सो दोस्तों, आप लोग एंड तक वीडियो पे बने रहना और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको यूट्यूब से रिलेटेड आगे भी इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे मेरे ऑडियंस है जो कि यूट्यूब चैनल है जिनका, मुझे पता ही है मैक्सिमम मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका यूट्यूब चैनल है, वो क्रिएटर है। तो दोस्तों, अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है तो आपको अपना खुद का एक वेबसाइट भी बना लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वेबसाइट से भी लाखों में आप पैसे कमा सकते हो। अब आप बोलोगे कि वेबसाइट बनाए कैसे, तो दोस्तों इसके लिए मैं आप लोग एक बेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है होस्टिंजर, जहां से दोस्तों आप लोग जो है 10 मिनट में क्विकली अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हो। दोस्तों, होस्टिंजर मैंने इसलिए आप लोगों को रेकमेंड किया क्योंकि होस्टिंजर में बहुत सारा खास बात है, जैसे यहां पर इसका प्राइस क्वालिटी रेशियो होता है जो वो है, यहाँ पर एक्सट्रीमली फास्ट सर्वर्स है, 99.9% का अपटाइम गारंटी मिलता है। अपटाइम का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि कोई जो है आपका ट्रैफिक आता है आपके वेबसाइट पे, कोई क्लिक करता है तो वो स्मूथली वर्क करता है, एक क्लिक में खुल जाता है, तुरंत लोड हो जाता है, तो ये अपटाइम गारंटी 99.9% का है जो कि होस्टिंगर आपको देता है। दोस्तों, इसमें और खास बात यह है कि यहाँ पर आपको 24/7 आवर्स का जो है चैट सपोर्ट भी मिलता है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको यूजर फ्रेंडली कंट्रोल पैनल मिलता है, और दोस्तों यहाँ पर आपको 30 डेज मनी बैक गारंटी भी मिलता है, और यहाँ पर आपको फ्री में डोमेन SSL बहुत कुछ आपको मिलता है, और भी बहुत सारा फीचर्स है, मैं कितना आप लोग बताऊं, आप लोग जाकर के वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। एंड दोस्तों, आप जब भी यहां पर जो है होस्टिंगर के थ्रू अगर वेबसाइट बनाना चाहते हो तो खरीदना चाहते हो तो आपको मेरा एक कूपन कोड मिलता है, उसको आप यूज करके आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड है मनोज दे, आप जब भी यहां पर चेकआउट करते हो वहां पर मेरा मनोज दे कोड को लगा करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, उसको यूज कर सकते हो। तो कूपन कोड मनोज दे वो आप लगा सकते हो। तो दोस्तों, होस्टिंगर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर क्लिक कीजिए, वेबसाइट पर जाइए और अपना खुद का वेबसाइट जरूर बनाए। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कि शॉर्ट्स वीडियोस को मोनेटाइज हम कब कर सकते हैं, इसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो सबसे पहला ये है कि YouTube के एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप डायरेक्टली प्लस वाले आइकन पर जाकर के देखोगे तो क्रिएट ए शॉर्ट का आपको ऑप्शन मिलता है, जहां से आप शॉर्ट वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। अगर आप वहां से शॉर्ट वीडियो बनाते हो और YouTube के लाइब्रेरी से कोई भी अगर वहां से शॉर्ट्स वाले सेक्शन से कोई अगर म्यूजिक को आप अगर यूज करते हो, जैसे आपको बहुत सारा म्यूजिक का भी ऑप्शन मिलता है शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे, तो ऐसे कंडीशन में आपका यूट्यूब चैनल उस शॉर्ट वाले वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, क्योंकि आपने म्यूजिक ऐड किया। अगर आप म्यूजिक नहीं ऐड करते हो, डायरेक्टली अपने फोन के कैमरे से शॉर्ट वीडियो बनाते हो और MCS का अगर मान लीजिए नो कॉपीराइट म्यूजिक यूज करते हो, या फिर कोई भी म्यूजिक यूज नहीं किए हो, सिर्फ आप पकड़ करके कुछ मोटिवेशन दे रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में आप अपनी वीडियो को मोनेटाइज कर सकते हो, यही टर्म्स एंड कंडीशन है। आप सिर्फ म्यूजिक ऐड नहीं कर सकते, म्यूजिक अगर लगाते हो तो आपको कॉपीराइट आ जाएगा, उससे आपका कोई भी अर्निंग नहीं होगा और मोनेटाइज भी नहीं होगा। लेकिन म्यूजिक नहीं ऐड करते हो तो आप मोनेटाइज भी कर सकते हो, अर्निंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने दो दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर, जहां पर मैंने बताया था कि जो संडे कमेंट बॉक्स में हमारा आने वाला है उसके लिए मैंने एक अनाउंसमेंट डाला हुआ था, सिर्फ 50 सेकंड का वो वीडियो था, और वो वीडियो को मैंने मोनेटाइज भी किया था और उस पर भर कर एड प्ले हो रहा था उस वाले वीडियो पे, और उसी वीडियो का अभी जो मैं आप लोगों को अर्निंग प्रूफ दिखाऊंगा। और एक कंडीशन यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि हमारे वैसे टाइप अगर मान लीजिए आप कोई म्यूजिक ऐड नहीं किए हो और शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहे हो विदाउट म्यूजिक, तो कॉपीराइट तो नहीं आएगा, मोनेटाइज भी हो जाएगा। लेकिन ऐड कब चलेगा, जब आपका कोई वीडियो को ब्राउज फीचर से देखेगा, कोई नोटिफिकेशन से देखेगा, सजेस्टेड वीडियो से देखेगा, तो ही मोनेटाइज मतलब कि ऐड चलेगा। अदरवाइज मान लीजिए कि कोई देखिए, यहाँ पर हम जाते हैं यहाँ पर यूट्यूब के ऐप पे, ठीक है, यूट्यूब ऐप पे देखिए ऊपर पे एक ऑप्शन मिलता है शॉर्ट्स का,
तो वहां पर मान लीजिए आप क्लिक कर दिए तो अब क्या होगा कि शॉर्ट्स वीडियोज ही सिर्फ आपका प्ले होगा और आप इस तरह स्वाइप अप करते करते शॉर्ट्स वीडियोज को देख सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए इस तरह स्वाइप अप करते करते अगर आपका वीडियो भी यहाँ पर आता है, कोई ऑडियंस आपका वीडियो को देखता है, तो ऐसे में ऐड नहीं आएगा। शॉर्ट वाले सेक्शन से सिर्फ नहीं देखना चाहिए, बाकी किसी भी कंडीशन में अगर आपका वीडियो देखा जाता है ब्राउज फीचर से, सजेशंस में, नोटिफिकेशन से, कहीं से भी, तो आपका ऐड आ सकता है, लेकिन शॉर्ट वाले सेक्शन से ऐड नहीं आएगा। ये भी एक कंडीशन है, ठीक है। तो मेरे वीडियो को ज़्यादातर व्यूज़ जो है आया था वो ब्राउज फीचर से आया था और नोटिफिकेशन से आया था, क्योंकि मेरे तो ऑलरेडी ऑडियंस है, सब्सक्राइबर्स है इस चैनल पर, तो इसलिए वहाँ पर ऐड बहुत ज़्यादा चला है शॉर्ट वाले सेक्शन से, वो मेरा ना के बराबर में व्यूज़ है उस वीडियो पर। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि उस पर कितना व्यूज़ पर कितना डॉलर बना था। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इस वाले शॉर्ट वीडियो का मेरा टाइटल था वो था आपका वीडियो मेरे चैनल पर जल्दी करो, हैशटैग शॉर्ट्स लगा करके मैंने डाला हुआ था। और वीडियो पे देखिए व्यूज़ है 88K, और इसमें दोस्तों जो डॉलर बना हुआ है वो आप लोग नीचे देख सकते हो, क्लियर 58 डॉलर बना है। 88K व्यूज़ पे 58 डॉलर, मतलब 60 डॉलर अप्रॉक्स इस वीडियो पर बना है 88,000 व्यूज़ पे। आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा अर्निंग है। इतना तो मेरे नॉर्मल वीडियोज़ में भी अर्निंग नहीं होता, या फिर इतना ही होता है नॉर्मल वीडियो में भी, जो है बराबर है। अभी मैं इसका भी प्रूफ दिखा देता हूँ। तो एक वीडियो और आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, एक वीडियो है जो कि नॉर्मल वीडियो है, मैंने डाला था आपके चैनल में, मिस्टेक है इसलिए व्यूज़ नहीं आता इस तरह करके। तो इस पर व्यूज़ है 86K, जो कि नॉर्मल वीडियो है 7-8 मिनट का, और इस पर जो डॉलर बना है वो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 62 डॉलर, और उस पर है 58 डॉलर, मतलब बराबर 60 डॉलर इस पर भी बना है जो कि नॉर्मल वीडियो है, और शॉर्ट वीडियो जो है उस पर भी 60 डॉलर बन गया है। आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पर मैंने अर्निंग प्रूफ आप लोगों को मैंने दिखा दिया कि शॉर्ट्स वीडियो से भी हम अर्न कर सकते हैं, जो कि अर्निंग प्रूफ भी मैंने आप लोग को दिखाया और सारा टर्म्स एंड कंडीशन भी समझा दिया है कि कैसे अर्निंग होगा। और शॉर्ट्स वीडियोस आप अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हो, डालना जरूरी है, नहीं डाल रहे हो तो डालने की कोशिश करो, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियोज का रीच भी काफ़ी ज़्यादा है, व्यूज़ भी ज़्यादा आ रहा है, और साथ ही साथ आप गोल्डन चांस ये है कि पैसे भी कमा सकते हो। जब हमें सब कुछ मिल ही रहा था, हम क्यों ना डालें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं 7-8 मिनट का जो वीडियो बना रहा हूँ उस पर भी उतना ही अर्निंग हो रहा है, और एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ 50 सेकंड का तो उसमें भी उतना ही अर्निंग हो रहा था, फिर इतना मेहनत करके इतना बड़ा वीडियो क्यों बनाओ, छोटे छोटे क्लिप ही डाल दूँ। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है जो कि 1 मिनट में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो चीज़ पॉसिबल होगा वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहूँगा आगे भी, क्योंकि सब तो हो ही रहा है, व्यूज़ भी आ रहा है, ऑडियंस भी मिल रहा है, सब्सक्राइबर भी मिल रहा है, साथ ही साथ अर्निंग भी हो रहा है। तो आप भी अपने यूट्यूब चैनल पर ये जरूर ट्राई करना। और अगर आप लोग शॉर्ट्स वीडियो अभी तक अपलोड करते थे, कोई करते हो, तो आपका कितना अर्निंग हो रहा है, कितने व्यूज़ पर, मुझे कमेंट सेक्शन पर आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो। सो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है। अगर पसंद है प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।